आपका दोस्त माधव, ये मेरा बांस का खेती है। वो मेरा मेरा गांव उंजरोड़ी है और मेरा तहसील शुरू रहता है। जिला मेरा पड़ता है बीड और स्टेट है महाराष्ट्र। जैसे दिखा दे रहा हूँ, मैंने 2.5 साल पहला ये बांस का खेती पौधा लाया था। ये मानवेल का बांस का पौधा है पूरा, और इसको मैंने 1 साल के लिए ड्रिप लगाया था। अब 1 साल के बाद मैं ये ड्रिप नहीं चलाता हूँ, क्योंकि इसको पानी देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये पूरा लाठी बांस लगाया था, उसमें कुछ पौधे आए थे। ये देखो, आपको मैं एक पौधा दिखा देता हूँ। ये पौधा बाम्बूसा बलकों का पौधा है, इसको फ्लावरिंग आया था। ये देखो, ये इसका मरना चालू हो गया है, ये मर जाएगा। साथ वाला पौधा देखो, ये लाठी बांस का है। हमारे इधर इसको मानवेल बोल देते हैं, बाहर के स्टेट में उसको लाठी बांस बोल देते हैं। ये जो टिश्यू कल्चर का पौधा है, वो उसको पानी भी ज़्यादा लगता है और उसका टिश्यू कल्चर किया है तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, वो कब मर जाएगा कब आएगा। लेकिन हमें भी इधर नर्सरी वाले ने कुछ पौधा दिया था, हमने लगवाया था, लेकिन मानवेल से उसको पानी भी नहीं दिया तो भी चलता है। 1 साल के बाद, 1 साल पौधा जिंदा रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी भी लगता है, इसलिए इसको ड्रिप का कुछ। ये देखो कितना बढ़िया है, ये ड्रिप है। और हमारे ये प्लांटेशन पूरा पहाड़ के ऊपर किया है मैंने। ये देखो, इधर आपको जिसे दिखा देता हूँ, मेरा ज़मीन कैसा है वो दिखा देता हूँ पहला। ये देखो, पूरा पत्थर है, 50% के ऊपर पत्थर है। ये देखो दिख रहा है, उसके ऊपर पत्ती पड़ गया है। मिट्टी थोड़ा कम है, ऐसा ये लाठी बांस लोग बोलते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन इधर ये लाठी बांस सीधा जा रहा है, उसका रीज़न एक ही है, एक पौधा नहीं है, हर पौधा सीधा ही जाता है। थोड़ा बड़ा आया, ये देखो इधर भी इधर ही गए। ये देखो, इसका पोल स्ट्रेट जाता है, क्योंकि वो नज़दीक लगाना पड़ता है। 5x5 पर प्लांटेशन किया था मैंने, इसलिए ये सीधा जाता है। ये एक पौधा और एक पौधा, उसके बीच में खाली 5 फीट का अंतर है। ऐसा ही देखो, 5 फीट का है, और ऐसा भी देखो, एक समान दिखेगा आपको, 5 फीट ही है। एक एकड़ में कम से कम 5x5 पे 2000 के करीब पौधा लगता है लाठी बांस का, और एक एकड़ में देखो कितना बड़ा आ रहा है शूट, और एक एकड़ में 2000 पौधा लगाया। कैसा भी ज़मीन रहने दो, ये 2 साल के होने के बाद इसको, इसमें बायोमास कितना निकलेगा, मेरे हिसाब से तो 30-40 टन आराम से निकलेगा। कोई
लोग बोलते हैं 200 टन निकलेगा, कोई बोलता है 100 टन निकलेगा, बोलता है कुछ भी बोल देता है। मेरा दोस्त का भी खेती है बांस का, उस्मानाबाद में मैंने जाके देखा है, उन्होंने बांस काट के उसका बायोमास से पैलेट बनाने का फैक्ट्री डाली है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। ये देखो तो इतना नहीं निकलता मेरे हिसाब से, 30-40 टन के करीब निकलता है, लोग बोलते हैं ज़्यादा निकलता है। और 2500 से भी टन से भी पकड़ लिया ना तो भी 50-60 हज़ार रुपये कोई झंझट नहीं है। इस खेती को मैंने 1 साल से पानी पूरा बंद किया है, मैं पानी नहीं देता हूँ इसको, और 1 साल बांस का थोड़ा ख्याल किया तो बांस आपको 50 साल से भी ज़्यादा, इस सीड से पौधा तैयार किया था लाठी बांस का, आपको ख्याल करेगा, आपको 50 साल तक पैसा देता ही रहेगा। 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं तो 50-60 टन निकलेगा, 50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये तक आ जाएंगे आपको। ये मेरा फेंसिंग है, ये मैंने घेरा, एक और को फेंसिंग किया है, सोलर फेंसिंग। इधर बहुत तकलीफ रहता है सोर का बकरी, इसलिए ये पूरा पहाड़ के ऊपर लगाया है, आपको दिखा देता हूँ। नीचे पूरा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये प्लांटेशन किया है, और ये 5x5 की दूरी पर इमली का भी पेड़ लगाया है, उसके साथ ही उतना ही खाद उतना ही पानी उसमें ये भी आ जाता है। ये देखो पूरा ये लाठी बांस का प्लांटेशन किया है, ऊपर ये दिखता है, ऊपर शूट आया है, बारिश का मौसम है। इधर थोड़ा अंदर भी जाके दिखाता हूँ आपको, ये लाठी बांस का है, कितना सीधा जा रहा है देखो। और इधर देखो एक ही समय के पौधे कितना बड़ा हुआ है, पांच बाय पांच का दूरी था ये, लेकिन पूरा मिल गया है। ये काटे वाला बांस आया था मेरे पास, कुछ गलती से आया था, लेकिन ये लगाना नहीं चाहिए, इसको मजदूर तोड़ता भी नहीं है, और इसका पौधा भी बड़ा नहीं होता है जल्दी जैसा लाठी बांस का होता है। ये देखो भैया उसको पूरा काटा है, ये देखो आपको मैं साफ दिखा देता हूँ, ये देखो साफ, जंगल है तो पूरा थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वो कुछ नहीं करता है, उसको कुछ टेंशन नहीं रहता है। इधर से आपको आगे जाके दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया है, ये पूरा जंगल है, जीव जंतु आ ही रहे थे थोड़ा थोड़ा। ये देखो कितना बढ़िया बांस है, लाठी बांस बहुत ज्यादा निकल रहा है, एक बार लगाया तो 50 साल उसका टेंशन नहीं रहता है।
थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए, 10-15 एकड़ रहेगा तो अच्छा रहता है। और आपको बाहर जाके भी दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे दिया था थोड़ा पौधा, ये बाम्बू सबल का होगा। अरे बीच वाला भी वो दिखता है, ये टुल्डा का भी है, लेकिन इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। ये देखो ब्रेंडी सही का है ये पौधा, इसका पत्ती कितना छोटा है, मरने के करीब आया था लेकिन बच गया। ये ऐसा बड़ा वाला बांस नहीं लगाना चाहिए जिधर पानी कम है। ये देखो आपको सब कुछ, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो कितना बड़ा हो गया, 2-2.5 साल में कितना लाठी निकलेगा इसमें से, लाठी से भी बेचा तो भी चलता है और इसका बायोमास भी किया बेचा तो भी चलता है। फार्मर को कैसा भी हो लेकिन पैसा होना चाहिए। ये देखो आने जाने का रास्ता है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा हो जाता है, मैंने खेत में तालाब बना दिया है, 50 बाय 100 मीटर का है। एक बार थोड़ा बाहर आके आपको बाम्बू दिखा देता हूँ। ये देखो बाम्बू का खेती बहुत बड़ा है, नीचे देखो पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ के ऊपर बनाया है। छोटा पौधा था इसलिए बनाया था, पानी भरने का काम चल रहा है इधर। अरे इधर ये लाल वाला पत्थर जाता है, मिट्टी कम है और ये पत्थर ज़्यादा रहता है।